पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई से भाजपा के नेता अति उत्साहित है। उत्साह इतना कि यह नेता सड़कों पर तिरंगा लेकर जुलूस भी निकाल रहे हैं, तो कुछ आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाने में व्यस्त है। वसुंधरा राजे सरकार में पूर्व मंत्री रहे और मौजूदा भाजपा विधायक कालीचरण सराफ और वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा के नेतृत्व में भी ऐसा ही जुलूस निकाला गया। मालवीय नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ यह जुलूस शहीद अमित भारद्वाज पार्क के पास एकत्रित हुआ और यहां भाजपा नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां अपनी खुशी का इजहार करने के लिए एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है जबकि पिक्चर अभी बाकी है। कालीचरण सराफ के अनुसार पाकिस्तान ने पुलवामा के आतंकवादी हमले के जरिए हमारे 40 जवानों को शहीद किया और इसका बदला हमने उनके 400 लोगों को मारकर लिया है। वहीं भाजपा नेत्री सुमन शर्मा ने कहा कि आज देश के करोड़ों लोगों का सीना फूलकर 56 इंच का हो गया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आज हम लोगों ने 9 सेक्टर अमित भारद्वाज शहीद स्मारक के पास उन शहीदों के जो पुलवामा में जिस तरह से आतंकवादियों ने उनको मारा था और आज इंडियन आर्मी ने जिस तरह का बदला लिया, आज हम लोगों ने जश्न मनाया है, पटाखे फोड़े हैं, लड्डू खाए हैं और इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाउस द जोश, आज के जोश का आनंद और इंडियन आर्मी को बहुत बहुत सैल्यूट। पाकिस्तान में 40वां करके यानी हमारे 40 मारे 400 और उनके 400 और अभी ये तो शुरुआत है। अभी तक उनको हम खाली छोड़ने वाले नहीं है। आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज हम सब कार्यकर्ता बड़े आह्लादित हैं, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है।